अब गौरव के खिलाफ केस फाइल हो गया है। केस फाइल हो गया गौरव भैया के खिलाफ। उम्मीद देना उनको चाहते हैं कि जो है चुपचाप जनता के सामने ला के रख दें कि भाई ये चीज़ है, हैं और नहीं उनके दो जगह है या तो जेल। तो वेल गाइस, व्हाट इज अप, तुम्हारा भाई बैलेंस आ गया एक नए ब्लॉग के साथ। तो अभी मैं आया हूँ बाबा के ढाबे पे, तो तुम देख पा रहे हो पीछे है मेरे बाबा का ढाबा, ठीक है। तो अभी कुछ बात ऐसी है कि यहाँ पे ना कुछ स्कैम का चल रहा था, स्वाद भाई ने जो करा है, हमारे गौरव भाई ने। तो मैं बाबा से ज़रा कुछ बात करता हूँ उस बारे में, तुम्हें भी बताता हूँ क्या है सच क्या नहीं। और अगर मेरे चैनल पे आए हो तो प्लीज़ गाइस सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन दबाना मत भूलना। इस वीडियो का लाइक है मैं सिर्फ 250 लाइक है मैं। और प्लीज़ कमेंट करके बताओ कि अगली वीडियो कौन सी बनाऊँ और ये वीडियो कैसी लगी, और जो बाबा के साथ बाबा के साथ करो जो गौरव भाई ने करा वो सही है या गलत। तो चलो वीडियो स्टार्ट करते हैं। नमस्ते बाबा, कैसे हो आप? बहुत ठीक ठीक। अच्छा बाबा, आपको भी पता अब क्या हो रहा है क्या नहीं, गौरव भैया ने जो करा है? जो भैया गौरव भैया किया है वो आपको तो सब दिखाई दे रहा है, सबको चैनल में सही आ रहा है, सबको आ रहा है, सबको आ रहा है, ठीक है। हाँ, अब गौरव खिलाफ केस फाइल हो गया है। केस फाइल हो गया गौरव भैया के खिलाफ। अच्छा, और आपको भी पता है कुछ भैया और सपोर्ट में भी आपके? हाँ, एल्विश भैया हमारे सपोर्ट में तो सब है, हम सब है, सब है, हम सब है, मगर जो गौरव भैया ने करा वो सही नहीं करा ना? तो सही नहीं किया। और आपको कितनी अमाउंट बताई दी? हमारे 2,37,000 है या 37,000 इसमें दिए। अच्छा ठीक है, और 37,000 33 और उसके बाद उन्होंने उससे 2-3 दिन पहले, आपको पता है वीडियो में किसी को बताया था, किसी के साथ लाइव हो रही थी, उनको बताया था कि बाबा के लिए 20,00,000 से भी ऊपर आया है। हाँ, ठीक है, आप खुद सोच लो, मतलब कि आपको अपना भी मार दिया हक, और फिर आपके चक्कर में आपका, मतलब वही होता है ना, मजबूरी का फायदा उठा के हमारे कन्ने बंदूक लगा के चलाया है। कन्ने, और मतलब आपके चक्कर में उन्होंने अपना इतना फायदा करवा लिया, ठीक है। और मतलब जो उनको कर रहा, क्या आप मतलब एक लास्ट मैसेज क्या देना चाहते हो उनको? लास्ट मैसेज हम ये देना उनको चाहते हैं कि जो है चुपचाप जनता के सामने ला के रख दें कि भाई ये चीज़ है, हैं और नहीं तो उनके दो जगह है, या तो जेल और दूसरी दूसरी या तो घर में रहे बैठे भाई, फिर कोई काम ही नहीं कर सकते भाई। नहीं मतलब उसके आपके कारण उन्होंने अपना बहुत फ़ायदा उठा लिया, आपको पता ना हो तो, मतलब या तो उनका धंधा जो है चौपट होगा ये, हैं, या जेल में जाएंगे, जेल में जाएंगे तो भी काम खत्म हो जाएगा। हाँ जी। अच्छा घर रहेंगे तो भी लोग नहीं इनको पूछेंगे, नहीं पूछेंगे, अपने पैर में कुल्हाड़ी अपने आप मारेंगे भाई। समझ रहे हो, समझ रहे हो, समझ रहे हो ना। अच्छा आपको ये भी बात पता है, ऐसे द्वारका में सेम चाय वाले अंकल थे आपकी उम्र के बराबर ही, उनको किसी ने कार्ड दी, ठेला दिया था। हाँ, तो गौरव भैया ने अपना नाम लगाया कि हमने दान दिया भाई है। दान कहेंगे वो? हाँ, और लोगों को दिखाया कि हमने किया है, वो तो दिखाना है, और तो हमें भी हमें भी पूछे थे कि अंकल तुम्हारे सामान कितने का है, मैं बोला 400-500 रुपये का होगा ये, 400 रुपये हमें भी दिए थे वो। अच्छा 400 रुपये दिए थे, और आप रोए भी थे शायद? हाँ। वो रोए थे, किस लिए रोए थे? इसलिए रोया था कि मैं कि आज तक हमारा कोई पूछा नहीं, आज ये हमारी मजाक उड़ाने आ गए। अच्छा मजाक उड़ाने, मतलब उन्होंने ना आपका वो चीज़ बहुत ज़्यादा यूज़ करा था, आपको पता है। हाँ। अब बाबा मतलब अब आ रहे हैं ग्राहक वगैरह? हाँ ग्राहक। अब ठीक है, मतलब अब मदद की तो कोई ज़रूरत नहीं है? नहीं कोई बात नहीं, कोई दे ना दे। हाँ, मगर आप मेहनत कर रहे हो अपनी तरफ से। ये है कि अगर किसी को मदद करनी है उसको जांच ले, उसके पास पहुंच रहा कि नहीं पहुंच रहा है। हाँ ये जांच तो लेनी चाहिए, जांच लेना चाहिए, उसके पास कोई नहीं पहुंच रहा, मगर हमारी जनता जनार्दन जो है वो सोचे भाई बाबा के पास पहुंच रहा है भाई है। अब उनको पता होता कि नहीं पहुंच रहा तो देते नहीं वो। और इतने बड़े बेवकूफ गौरव भैया, उन्होंने मतलब किसी ने कोई पैसे ट्रांसफ़र नहीं करे, वो जीरो अमाउंट भी दिखाया हुआ अपनी उसमें। और गाइस एक चीज़ बताना चाहूँगा, ये भैया और एक ये भैया शुरू से यहाँ पे बाबा की हेल्प कर रहे हैं, है ना बाबा? हाँ जी, सब लोग हैं, सब स्टार्टिंग से। हाँ। बस शायद मैंने देखा नहीं, मैं किसी ने कहा था राजा राम,
इधर आओ, ये बताएंगे इन्होंने रात क्या देखे हैं। तुम रात टीवी में क्या देखा बताओ। क्या देखा बाबा? तीनों जो पैसे गमन किए हैं उसके विषय में। हाँ, अरे आपका तो हर जगह हो गया, अब तो वर्ल्ड वाइड हो गया। चलिए बाबा, बात करके अच्छा लगा आपसे, थैंक यू सो मच। ऐसे ही मेहनत करते रहिए बाबा। ये मेहनत करूँगा। हाँ, करते रहिए, आप पहले भी कर रहे थे, अब भी करेंगे। मेहनत नहीं करूँगा, चार पाइप पकड़ लूँगा तो लड़के हमें पानी भी पूछने वाले। हाँ, मत कर दिया। सो गाइज, ये देखा आपने, स्वाद ऑफिशियल ने कैसे बाबा के साथ करा स्कैम, ठीक है। और मैं आपको ये भी बताना चाहूँगा कि जिन लोगों को लग रहा है जो एक्सपोज वाली वीडियो बन रही है बाबा का ढाबा एक्सपोज वगैरह स्कैम वगैरह स्वाद ऑफिशियल पे, वो झूठ है भाई, वो झूठ नहीं है, वो सच है, ठीक है। एक तरफा तुम मान लो अगर वो उनको डिफेम करने के लिए भी बना रहे हैं, मगर मैं यहाँ इसलिए आया हूँ ताकि बाबा के मुँह से सच्चाई सुन सकूँ, ठीक है। बाबा ने और एल्विश भैया ने बहुत ज़्यादा सच बोला भाई गौरव वासन के बारे में, और गौरव वासन ने बहुत तगड़ा मतलब स्कैम 1992 वाला सीन जो है ना, स्कैम 1992 है क्या है, स्कैम कर दिया पूरा एक तरीके से बाबा के साथ, ठीक है। और जो कि बहुत गलत है, मतलब उनका यूज़ करके गौरव वासन ने मतलब अपने, एक तो भाई तुम्हारे चैनल पे 100K तो इस साल होने नहीं थे, बाबा का इस्तेमाल करके तुमने वो 100K करवा लिए, ठीक है। इंस्टाग्राम पे तुम्हारे कुछ कम थे, के में शायद ही थे, मगर तुमने बाबा का इस्तेमाल करके वो भी के में ले गए, तुम 200,000 से ऊपर फॉलोअर्स वेरीफाइड हुई, तुम उस चक्कर में हो गए, स्कैम करा। और मैं जो भी ये वीडियो देख रहा है, अगर कोई ऑर्गेनाइजेशन ये वीडियो देख रही है, भाई ऐसे फुद्दू बंदों को अपना मेंबर मत बनाना। मैंने देखा था जब ये वीडियो डली थी, जब ये आए थे बाबा के पास, तो उन्होंने एक अपना डाला था राइज फंड फॉर मतलब जो नीड में है, जो छोटे एंटरप्रेन्योर हैं उनकी हेल्प करने के लिए डोनेट करो इस लिंक पे। भाई मुझे उस ऑर्गेनाइजेशन का तो नहीं पता, मगर एक चीज़ जान लो भाई, ऐसे बंदों को मत लेना अपने साथ, ऐसे फुद्दू बंदों को, ठीक है। और तो और करना है तो खुद से करो। बाकी गौरव भाई, आपके खिलाफ तो केस हो गया, केस फाइल हो गया, ठीक है। तो चलो चलते हैं, थैंक यू सो मच। I need all of you to stop what you're doing and listen.